हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा का 7वां चैप्टर जलवाहिनी। जलवाहिनी का अर्थ होता है जल भरने वाली। तो जो ये गीत है पहले लिखा गया था भोजपुरी भाषा में, बाद में जो प्रोफेसर हैं रामकरण शर्मा जी उन्होंने इसका संस्कृत में अनुवाद किया था। तो आइए देखते हैं कि इस गीत में उन्होंने क्या कहा है। तो बच्चों आप अपनी जो किताब है उसमें ये चैप्टर निकाल लीजिए। तो आइए देखते हैं। भरिष्यामि अहरिष्यामि च सलिल कुंभम कियत कालम, भरिष्यामि अहरिष्यामि च शनैर्यदीयामि चिररात्राय, विलपयिष्यति गृहे बाला द्रुतम यदीयामि वसनम मे भवे आद्रम सलिल बेगई, भरिष्यामि अहरिष्यामि च। तो पहले हम देखते हैं इसका अन्वय। तो सेकंड लाइन में लिखा है कियत कालम, तो मतलब कितने समय तक, कौन कितने समय तक, मैं। तो लिखेंगे ब्रैकेट में अहम, अहम कियत कालम सलिल कुंभम भरिष्यामि अहरिष्यामि च, यदि शनैयामि गृहे बाला चिररात्राय बिलपिष्यति, यदि द्रुतम यामि सलिल बेगई में बसनम आद्रम भवेत। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अहम कियत कालम, कियत कालम मतलब कितने समय तक, सलिल कुंभम माने पानी का घड़ा, भरिष्यामि माने भरूंगी, अहरिष्यामि माने लाऊंगी ढोंगी। तो क्या कहा गया यहाँ पर, अहम कियत कालम सलिल कुंभम भरिष्यामि अहरिष्यामि च, कितने समय तक मैं आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसमें दिया नहीं है गीत में। तो कितने समय तक मैं सलिल कुंभम पानी का घड़ा भरिष्यामि भरती रहूँगी, अहरिष्यामि च तथा ढोती रहूँगी। तो कितने समय तक मैं पानी का घड़ा भरती रहूँगी तथा ढोती रहूँगी, यदि शनि यामि, शनि कहते हैं धीरे धीरे, यामि माने जाना, यदि शनि यामि यदि धीरे जाती हूँ, यदि धीरे धीरे जाती हूँ तो क्या होगा, गृह बाला घर पर बच्चा चिर रात्राय, चिर कहते हैं देर और रात्राय माने रात्रि, तो घर पर बच्चा देर रात तक बिलपिष्यति रोएगा बिलाप करेगा। तो क्या होगा, कितने समय तक मैं पानी का घड़ा भरती रहूँगी तथा ढोती रहूँगी, यदि मैं धीरे धीरे जाती हूँ तो घर पर बच्चा देर रात तक रोएगा, यदि द्रुतम यामी यदि तेज गति से जाती हूँ, द्रुत माने तेज, तो यदि तेज गति से जाती हूँ तो सलिल बेगई जल के बेग से मैं बसनम आद्रम भवेत, मेरा वस्त्र गीला हो जाएगा। जल के बेग से मतलब जो तेज चलेंगे तो क्या होगा, पानी छलकेगा, पानी गिरेगा उसके ऊपर, तो उसका जो वस्त्र है जो उसने पहन रखा है वो गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कितने समय तक मैं पानी का घड़ा भरती रहूँगी तथा ढोती रहूँगी, यदि मैं धीरे धीरे जाती हूँ तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो घर पर बच्चा देर रात तक रोएगा, यदि तेज गति से जाती हूँ तो ब्रैकेट में जल के बेग के कारण मेरा वस्त्र क्या होगा, आद्रम भवेत, आद्र कहते हैं गीला और भवेत माने हो जाएगा, तो मेरा वस्त्र गीला हो जाएगा। अगला है इमान नूपुरवान रुंझुनम यान आकर नागरिका सुखम शय्याम अधिश्याना झटती ते जागृष्यन्ति। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ईमान पहले इसका बनाएंगे अन्वय। तो ईमान रुंझुनम यान नूपुरवान आकर शय्याम सुखम अधिश्याना ते नागरिका झटती जागृष्यन्ति। तो क्या अर्थ होगा इसका, ईमान माने होता है इनको, रुंझुनम यान माने झुनझुन की आवाज़ करने वाली, नूपुर अवान माने नूपुर कहते हैं पायल को, और पायल की ध्वनि पायल की आवाज़, आकर सुनकर, तो ईमान रुंझुनम यान इन रुंझुन से भरी हुई नूपुर अवान पायल की आवाज़ों को आकर सुनकर शय्याम सुखम अधिश्याना शय्या पर सुख से सोते हुए ते नागरिक बे नागरिक झटती शीघ्र जागृष्यन्ति जाग जाएंगे। तो इन रुंझुन से भरी हुई पायल की आवाज़ों को सुनकर शैया पर सुख से सोते हुए बे नागरिक शीघ्र जाग जाएंगे।
तो क्या हुआ है, इस औरत ने जो है जो पानी भर के ला रही है उसने पायल पहनी हुई है, तो उसके पायल की जो आवाज़ है वो इतनी तेज़ है, तो उसको क्या लग रहा है कि रात का टाइम है, लोग सोए हुए होंगे, तो उसके पायल की आवाज़ को सुनकर क्या होगा, जो आदमी लोग हैं, जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो जाग जाएंगे। अगला है, तनु कोपो मालंबस तले तस्य अस्ति पानीयम कृष्यन्त्या मे घटे रज्ज करे अपि आस्ते महा स्फोटा भरिष्यामि अहरिष्यामि चा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, तनु कोपो महालंबस तले तस्य अस्ति पानीयम। तो पहले इसका करेंगे अन्वय। कूपः, कूपः कौन सा, यह को कहते हैं संस्कृत में अयम, अयम लिखेंगे ब्रैकेट में, तो अयम कूपः तनु महालंबा ब्रैकेट में च अस्ति, तस्य तले पानीयम अस्ति, रज्ज्वा घटम कृष्यन्त्यः मे करे मा स्फोटा अपि आस्ते। तो इसका अर्थ क्या होगा, अयम कूपः, तो अयम लिखा था ब्रैकेट में, यहाँ पे यह भी लिखेंगे ब्रैकेट में, तो यह कुआं कूपः, कूपः माने छोटा, यह कुआं छोटा है महालंबस तले और तल में ज़्यादा गहरा है, तस्य तले पानीयम अस्ति उसके तल में पानी है, रज्ज्वा घटम कृष्यन्त्या मे करे महा स्फोटा अपि आस्ते। तो रज्ज्वा माने रस्सी, तो रस्सी क्या हुआ, घटम, रस्सी के द्वारा, घटम कहते हैं घड़े को, रस्सी के द्वारा घड़े को, कृष्यन्त्या माने खींचती हुई, तो रस्सी के द्वारा घड़े को क्या करती हुई, ऊपर, ऊपर आप लिखेंगे ब्रैकेट में, तो रस्सी के द्वारा घड़े को ऊपर खींचती हुई मे करे, करे माने हाथ, कर माने होता है हाथ, मेरे हाथ में महास्फोटा, महास्फोटा माने छाला फफोला, मेरे हाथ में महास्फोटा माने बड़ा छाला अपि आस्ते भी हो गया है, अपि माने भी, आस्ते माने हो गया है, तो यह कुआं छोटा है और तल में ज़्यादा गहरा है, उसके तल में पानी है, रस्सी के द्वारा घड़े को ऊपर को खींचती हुई मेरे हाथ में फफोला भी पड़ गया है, मेरे हाथ में छाला भी हो गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यह कुआं छोटा है, तल में ज़्यादा गहरा है, उसके तल में पानी है, रस्सी के द्वारा घड़े को ऊपर खींचती हुई मेरे हाथ में बड़ा छाला भी हो गया है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इसमें क्या बताया गया है पूरे चैप्टर में, तो जो पानी भरने वाली औरत है वो कह रही है कि कितने समय तक वो पानी भरती रहेगी, अगर वो धीरे धीरे चलती है तब वो क्या होगा, घर में देर से पहुंचेगी और उसका जो बच्चा है वो तब तक रोता रहेगा, और अगर वो तेज़ चलती है तो उसकी गति से क्या होगा, पानी जो है वो मटके में से, घड़े में से निकल जाएगा, छलक जाएगा और उसका वस्त्र जो है वो गीला हो जाएगा। तो वो पानी भरते हुए जब रास्ते में जाती है तो वो सोच रही है कि जो उसके पायल की आवाज़ है उससे क्या होगा, जो लोग सो रहे हैं रात में, सुक्की नींद सो रहे हैं, वो जाग जाएंगे। तो क्या होता है, जो ये पानी भरने जाती है तो जो कुआं है वो क्या है, छोटा है, पतला है और वो काफ़ी गहरा है, उसमें जो पानी है काफ़ी नीचे जाके है। तो क्या होता है, ये रस्सी डालती है, पानी खींचती है, तो पानी खींचते खींचते इसके हाथों में फफोले भी हो चुके हैं, छाले भी पड़ चुके हैं। तो ये था इसका सारांश, और पहले हमने बताया था इसका अर्थ। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।